आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे POS, POS यानी POS करेंगे आज। POS का मतलब होता है परचेज ऑर्डर और एक होता है सेल ऑर्डर। तो अभी आपके पास यहाँ देखो कहीं स्क्रीन पे दिख रहे हैं सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर, तो उनको लाना पड़ता है कहाँ से? कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर आपको दो टॉपिक मिलेंगे जिसका नाम होगा अनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग। इस पर क्लिक कर दीजिए, देन ओके, देन सेव। अब यहाँ आओगे तो आपके दो टॉपिक खुल के आएंगे जिसका नाम होगा सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर। अब इन दोनों टॉपिकों का फायदा क्या है? और ये भी सेल है, ये भी परचेज। जैसे कोई ऑर्डर लिखवाता है तो आप क्या करते हो, मैनुअली कॉपी पे लिखते हो ना ऑर्डर? नहीं, आप करो यहाँ पर लिख लो, ठीक है। सेल ऑर्डर में आओ, मैंने बोला 15 तारीख को वाउचर नंबर 10 से एग्जाम में दीपक ने हमें 1 लाख का ऑर्डर दिया है, ठीक है, अमित अमित ने दिया है, ठीक है। मतलब इसे टैक्स फ्री हो गया, इस वाउचर पे कोई टैक्स नहीं लगा। तो वो अब कल, वो अब कल नेक्स्ट वहाँ मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगा ना, फिर तुम्हारा आ जाएगा, उनका वो चल रहा है मैंने यहाँ पर वैट वाला टॉपिक, ठीक है। अब देख, अब मैंने बोला इसने कितने का माल दिया है मुझे, हमने इसने ऑर्डर दिया हमें, अमित ने कितने का, अस्तर का 1000 मीटर का, कितने रुपये के रेट से, 500 रुपये का, हमने लिख लिया और हमने सेव कर दिया। जब हमारे पास अस्तर आ गया 25 तारीख को, अब हमें किसको सेल करनी है, अमित को। मैं आया, मेरे पास जिस दिन माल आ गया वहाँ डाली और मैंने लिख दिया एग्जाम, क्या नाम था, अमित। अब मुझे पता नहीं इसका ऑर्डर क्या था, तो मैं अपने कीबोर्ड पे एफ बटन F11 दबाऊंगा, तो जो उसका ऑर्डर होगा यहाँ पर सारे आ जाएंगे आगे, और मैं जैसे ही स्पेस दबाऊंगा और F2 करूंगा तो जितना इसका ऑर्डर होगा सारा उठ के यहाँ आ जाएगा। तो परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर का बेनिफिट ये होता है। सपोज इसने मेरे पास F11, अभी मैंने 500 करा है, कितना ऑर्डर रह गया इसका, 500, तो 500 हमारा रिमेनिंग है, 500 रह गया, ठीक है। अब दोबारा 26 तारीख को माल आ गया, 300 माल और आ गया, हमने अमित को पूछा सर 300 माल आ गया, कह रहा भेज दो, तो F11 दबाएंगे, दोबारा ऑर्डर आ गया, स्पेस करेंगे, देन 500 बचा था वो आ गया, हमने कहा कितना रह गया सर, और सेव कर दिया। अब मुझसे सर पूछते हैं कि बता अमित का ऑर्डर कितना रह गया, कितना और माल देना है इसको, तो कहाँ जाएंगे आप, डिस्प्ले के अंदर, ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर, पेंडिंग ऑर्डर सेल का, मैंने कहा यस सेल वन पार्टी ऑल आइटम, तो जो जो इसका अमित का पेंडिंग होगा यहाँ बता दे, कितना माल पेंडिंग है हमारा 200। याद रखना सेल ऑर्डर और परचेस ऑर्डर इन्वेंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जो आप यहाँ पर लिखते हो ना ये एज अ रफ कॉपी होती, कोई फर्क नहीं होता। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SO और परचेस की क्या हो जाएगी आपकी PO। तो ये परचेज ऑर्डर होता है, ये सेल ऑर्डर होता है। अगर आपको किसी को ऑर्डर देना है तो कहाँ पर एंट्री करोगे, परचेज ऑर्डर में, अगर आपको किसी से ऑर्डर लेना है तो किसमें करोगे, सेल में, ठीक है। इसको याद रखना है SO और आपका PO, इसकी रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, ठीक है। तो आप बैठ के अपने ये मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर लो आप लोग।